हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं बर्सर्क द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के ट्रेलर पे। अगर आपको नहीं पता हो तो नेटफ्लिक्स पे आप जाओगे तो आपको ऑलरेडी एक एनिमे मिल जाएगा, एक बहुत अच्छा फेमस मांगा है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते हैं, लेट्स एंजॉय द ट्रेलर। 3 मिनट का ट्रेलर है, 3 मिनट 31 सेकंड का। 超越的な律、神の手が存在するのだろうか。少なくとも人は自らの意志さえ自由にはできない。あの大量の武器、すべてこの男のものだというのか。はい、一人で戦を始められるほどでございます。クソ野郎めが、この男は黒い剣士と名乗ったそうだな。ケンティロ・ミュラーがクリエイティブキャラクター。大臣殿、いかがなさいますか。奴は自身より大きな大刀を持ち、止めどなく矢を放つ弓で戦います。白の連中をあっという間に。俺の戦いだ、何の意味もなく虫けらのようにな。死人は引っ込んでろ。この俺が死人どもの相手をしてやっているおかげで、てめえはそこで人間以上ってやつを気取ってられるんだ。ウェパーイ。आप चाहो तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख भी सकते हो, अभी भी ये सीरीज अवेलेबल है, एनिमे सीरीज अभी भी अवेलेबल है। द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन समर 2025। अच्छा तो टाइम है भी। तो गाइस ये था ट्रेलर बर्सर्क द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन का। कैसा लगा आपको? स्टूडियो एक्लिप्स की तरफ से आ रहा है, समर 2025 में आएगा, काफी अच्छा एनिमेशन लग रहा है। अगर आपने अभी तक ये कैरेक्टर को नहीं देखा है तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हो, ऑलरेडी सीरीज अवेलेबल है, या ऑनलाइन आप मांगा पढ़ना चाहो तो इनका मांगा भी पढ़ सकते हो। दैट बीइंग सेड, अभी हम बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस या एनिमेटेड सीरीज गेम्स वगैरह पे रिव्यू कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, पसंद आ रहा है कि नहीं वो भी मेंशन करिएगा, तो वीडियो अच्छा बनाने में हमें हेल्प होती है। दैट बीइंग सेड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइबिंग।